हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और जहाजपुर के विधायक धीरज गुर्जर व उनके साथियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और जहाजपुर के विधायक धीरज गुर्जर अपने विधानसभा क्षेत्रों की जन समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जन सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा था। राजनैतिक द्वेषता के कारण उन पर उनके साथियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। आप इस मामले की उचित कार्रवाई करते हुए झूठे मुकदमे को वापस लिया जाए, नहीं तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान काफी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता व कांग्रेसी मौजूद थे। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जहाजपुर के विधायक धीरज गुर्जर जी द्वारा अपने विधानसभा में जन समस्याओं को लेकर जो सत्याग्रह किया जा रहा था, भाजपा सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय उनके सत्याग्रह को कुचलने के लिए उनके और उनके साथियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए। जालौर जिले की एनएसयूआई इकाई और तमाम कांग्रेस जन राज्यपाल महोदय को जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि विधायक धीरज गुर्जर जी और उनके सहयोगियों पर जो मुकदमे लगाए गए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लें और उनके द्वारा जो सत्याग्रह में जन समस्याएं उठाई गई है उन जन समस्याओं के निराकरण का कार्य करें। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।